Hey guys, welcome back in a new video. Guys, आज वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग OBS Studio को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने विदाउट एनी एरर परफेक्टली इसको कैसे इंस्टॉल करना है. गाइज, ये जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग कोई भी विंडोज यूज करते हो, विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 8.1 या फिर विंडोज 7, तो सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है. गाइज, OBS Studio को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद लोगों काफी सारे एरर्स आ रहे होते हैं. कुछ लोगों के पास ये इंस्टॉल करने के बाद ओपन नहीं हो रहा होता, और कुछ लोगों के पास गाइज अगर ये ओपन हो जाता है तो ब्लैक स्क्रीन वाला एरर आ रहा होता है. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने ये दोनों एरर्स किस तरह से फिक्स करने हैं. उसके अलावा गाइज, अगर आप लोगों के पास एक लो एंड डिवाइस है तो फिर भी मैं आप लोगों को OBS Studio की कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिनको अप्लाई करने के बाद आप लोग इजिली OBS Studio को अपने लो एंड पीसी पे चला सकेंगे. सो गाइज, आप लोगों का पीसी बेशक 32 बिट हो या फिर 64 बिट हो, तो आप लोग दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ सके. तो चलेंगे इस वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ये करना कि जो भी ब्राउजर आप लोगों के पीसी में इंस्टॉल होगा तो सिंपली आप लोग वो ओपन करेंगे और यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे OBS Studio. जैसे यहाँ पे गाइस आप लोग OBS Studio सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आप लोगों के पास OBS की ऑफिशियल वेबसाइट www.obsproject.com के नाम से मिल जाएगी. तो सिंपली आप लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है. गाइस, इस वाली वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद सिंपली इस लिंक से इस वाले पेज को एक्सेस कर सकते हैं. गाइस, जैसे ही आप लोग इस पेज पे आते हैं तो OBS एक ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोग फ्री में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं. सो जैसे गाइस आप लोग इस पेज पे आएंगे तो सिंपली आप लोग अगर यहाँ पे राइट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक डाउनलोड वाला सेक्शन दिखाई देगा. इस पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है. जैसे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आप लोग OBS Studio को विंडोज के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों के पास कोई मैक OS डिवाइसेज हैं तो उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसी के साथ गाइस आप लोग इसको लिनक्स के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं. सो क्योंकि हम लोग इसको विंडोज के लिए डाउनलोड करने वाले हैं तो आप लोग सिंपली विंडोज पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे गाइज आप लोगों के पास एक डाउनलोड इंस्टॉलर का ऑप्शन होगा और एक डाउनलोड इंस्टॉलर 32 बिट का ऑप्शन होगा. अगर तो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का होगा तो आप लोगों ने सिंपली डाउनलोड इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, लेकिन अगर आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का होगा तो आप लोगों ने सिंपली डाउनलोड इंस्टॉलर 32 बिट पे क्लिक कर देना है. गाइज, अगर आप लोगों को ये चेक नहीं करना आता कि आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो आप लोग सिंपली दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर पे लेफ्ट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे, और प्रॉपर्टीज को ओपन करने के बाद आप लोगों का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप होगी तो वहां पे आप लोगों को शो होगी. सो वहां से गाइस आप लोगों ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के बाद यहां से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसा कि मेरा 64 बिट है तो यहां पे मैं डाउनलोड इंस्टॉलर पे सिंपली क्लिक कर दूंगा. जैसे गाइस आप लोग यहां पे डाउनलोड इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो यहां पे नीचे की जानिब OBS Studio की एक्जी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, और गाइस इस एक्जी फाइल की डाउनलोडिंग का प्रोसेस विद इन सम सेकंड्स कंप्लीट हो जाएगा. यहां पे गाइस अगर आप लोग देखते हो तो जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो है 27.2.4 जो कि मार्च 29 को रिलीज किया गया है, और ये 2022 का OBS का एक लेटेस्ट वर्जन है. सो यहाँ पे गाइज OBS Studio की सेटअप फाइल डाउनलोड हो चुकी है. जैसे ये फाइल डाउनलोड होगी तो आप लोगों ने सिंपली ड्रॉप अप पे क्लिक करना है, और शो इन फोल्डर पे क्लिक करने पे आप लोगों को वो लोकेशन मिल जाएगी जहां पे ये फाइल डाउनलोड हुई होगी. गाइज, इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करने से पहले एक काम करना है. अगर आप लोग वो काम नहीं करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली इसमें एरर आने वाला है. इसके लिए आप लोगों ने सिंपली ये करना है कि यहां से गाइज आप लोगों को मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पिन कमेंट में, तो सिंपली आप लोगों ने इस लिंक को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के बाद इसमें एक न्यू ओपन करके यहाँ पे हम लोग वो लिंक पेस्ट करेंगे और इसको सिंपली से ओपन कर लेंगे. इस लिंक को ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों के पास OBS Studio का एक और पेज ओपन होगा. यहाँ से हम लोग इसका विजुअल C++ को डाउनलोड करेंगे, और गाइस आप लोगों को OBS Studio में जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं उनकी वजह यही होती है कि ये जो दो फाइल्स होती हैं वो आप लोगों के सिस्टम से मिसिंग होती हैं. सो गाइस, अगर आप लोगों के पास एक 64 बिट का पीसी हो तो सिंपली आप लोगों ने इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, लेकिन अगर आप लोगों के पास एक 32 बिट वाला पीसी है तो सिंपली आप लोगों ने ये जो सेकंड वाली फाइल है इसी को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा. क्योंकि मेरे पास एक 64 बिट वाला पीसी है तो सिंपली मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा. इन दोनों फाइल्स में मैं 1x1 क्लिक करूंगा तो नीचे के जानी मेरे पास विजुअल C++ की ये दोनों फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी. गाइस, इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने सिंपली ब्राउजर को कर देना है क्लोज. गाइस, इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले इनको 1x1 करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है. गाइस, विजुअल C++ की दोनों फाइल्स को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद आप लोगों ने OBS Studio को इंस्टॉल करना है. सो गाइस, पीसी को रीस्टार्ट करने के बाद अब आप लोगों ने OBS Studio पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों के पास एक ऑप्शन मिल जाएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. तो आप लोगों ने सिंपली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको ओपन कर लेना है.
जैसे गैस आप लोग OBS स्टूडियो के सेटअप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा। आप लोगों ने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद लाइसेंस की कुछ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आ जाती हैं, इनको अगर आप लोग रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग ब्राउज पे क्लिक करने के बाद कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों के पास इनफ स्पेस हो OBS स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे गैस अगर आप लोग देखेंगे तो OBS स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए 353 MB जो है वो स्पेस रिक्वायर्ड होगी, और यहाँ पे जितनी भी आप लोगों की उस ड्राइव में स्पेस अवेलेबल होगी वो भी यहाँ पे आप लोगों को शो होगी। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे OBS स्टूडियो की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि विद इन सम सेकंड्स कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस जब तक ये इंस्टॉल होता है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सो यहाँ पे गाइस हमारे पास OBS स्टूडियो की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सिंपली जैसे ही आप लोग फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास OBS स्टूडियो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। जैसे गाइस ये ओपन होता है तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको जैसे भी सेटअप करना चाहें आप लोग सेटअप कर सकते हैं। सो यहाँ पे गाइस हमारे पास OBS स्टूडियो विदाउट एनी एरर ओपन हो चुका है। सो गाइस इस तरह से आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए OBS स्टूडियो को परफेक्टली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड गाइस OBS स्टूडियो को ओपन करने के बाद आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग या फिर रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। सो गाइस इससे नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग OBS स्टूडियो में कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको करने के बाद आप लोग OBS स्टूडियो को एक लो एंड डिवाइस पे भी चला सकते हैं। सो गाइस फिर भी अगर आप लोगों का OBS स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर YouTube चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।